सो आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास। एक 1 TB की हार्ड ड्राइव आई है हमारे पास हमारे लुधियाना ऑफिस से। उस हार्ड ड्राइव के बीच में प्रॉब्लम ये है कि बंदे ने पता नहीं क्या किया है। ये प्री स्टूडियो का केस है। मुझे ऐसे लगता है कि हार्ड ड्राइव को एक किसी बंदे ने ऐसे पकड़ के और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया है, ऐसे ट्विस्ट कर दिया है हार्ड ड्राइव को। तो अगर ये मान लीजिए, ये वो केस नहीं है, मगर उदाहरण के तौर पे अगर ऐसी हार्ड ड्राइव बाहर निकलती है शेल से और हम उसको पकड़ के ऐसे घुमा दें तो क्या होगा? तो ये केस इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस केस में हमें हेड की रिप्लेसमेंट तो करनी ही करनी पड़ेगी, हमें प्लेटर की भी रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। हमें प्लेटर भी डिफेक्टिव पेशेंट से निकाल के डोनर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा, सो दैट कि वो जो ट्विस्टनेस आ गई है कि उसकी हार्ड ड्राइव में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो फ्लैट हो, वो सही चले और फिर हमें उसकी हेड रिप्लेसमेंट करनी है। सो ये एक केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और बहुत दिनों से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं उसको करके देने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये कोविड के बाद बहुत ही ज्यादा टिपिकल केसेस नहीं आ रहे हमारे पास, बड़े ऑड ऑड केसेस आ रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सॉल्व करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो अभी जो पेशेंट है वो मेरे सेकेंडरी क्लीन रूम में पड़ी हुई है साफ करके, और जो मेरा डोनर है वो अभी सुरेश जी उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो दोनों को हम अंदर लेके जाएंगे और जब फिर हम अंदर बैठे होंगे तो मैं इसकी नेक्स्ट क्लिप शूट करूंगा और देखते हैं कि मतलब कितने समय के अंदर हम वो सारा प्रोसेस करते हैं और फिर यहाँ पर आएंगे स्टेशन पे, यहाँ पर आके देखेंगे क्या वो चली, और अगर वो चली तो फिर हम उसका डाटा मतलब एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। ओके गाइस, सो नाउ वी आर इनसाइड दी चैम्बर द क्लीन रूम एंड आई हैव दी patient in my hand and I also have the donor right here. I'll explain you the problem with the patient. You know, this patient is little twisted like this. I don't know the condition of it inside right now, but even if we keep it on a surface, it rocks. It rocks like this, you know. It is not stable at a point. So definitely if the hard drive is twisted like this and we are trying to recover from the, you know, same HDA, it will not work because of the imbalance of the platters. So we have to solve that and then get out from that situation, and then might be we are able to clone this drive. So Preet Studio, we are giving our best. हम अपना बेस्ट देंगे इसको करने के लिए। लेट्स सी। Okay, let's start. And I am assuming
that the platters are not scored, they are not gone, because if they are gone, then boss, the case is already ting-tong. The outer area of the platter is totally destroyed. Thank you.
बट गाइस आई डोंट सी एनी डेब्रिस ऑन द टॉप लेटर माइट बी डाउन बिलो दे आर ऑल नॉट गुड बट ऑन द टॉप लेटर आई डोंट सी एनी डेब्रिस एट ऑल सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव साइन लेट्स सी व्हाट वी कैन डू Stopper is fine, but because I see sometimes that the stopper is also damaged. But this seems to be fine, which is a good sign. All right, now the only thing left is removing the heads. Let's do it. I can see those small nicks on the platter on the outer area. So if we have to swap the platter, we have to take the heads out.
ओके नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद दी यू नो द एंटायर प्लेटर्स एंड वी नीड टू ट्रांसफर द प्लेटर्स एंड वी विल ऑल्सो ट्रांसफर द मैग्नेटिक डंप मैग्नेट आफ्टर सम टाइम लेट्स पैक दिस हार्ड ड्राइव एंड गेट द अदर हार्ड ड्राइव एम्प्टी I don't want to take a risk of ruining good set of heads on this twisted drive because I am very sure if we do that we'll have a non-functional head swap for sure. All right, let's do some inspection of the heads. Sometimes you know I laugh because the customer says something which I just remember. Now this guy, once he was fighting with me and he says, "Meri ta hard drive chaldi si. My hard drive was functional." Why, if your hard drive was functional, why have you given it to me? And why do I need to do all this procedure on a functional hard drive? Oh come on, give me a break, man. Okay, let's keep the microscope back. Proceed with the work. Okay, now we are doing the swapping of the I'm taking out the parts from the donor. Sure that the problem which I think is the problem is actually the problem because of the twist of the entire chassis the platter might even work straight but the head is not like 90 degree to it so
So once both the spares are down, you have to slow down a little so that nothing is spoiled, you know. Alright, head is out. Let's take everything else out from this chassis. Patient has the head is here, and the patient head is this side, and the donor head is this side. Now, I am going to, you know, remove everything from the chassis of the donor. But I don't need to be so, you know, careful with this. I can be a little careless. Central platter screw is off. Second platter. That was quite a sound. I thought it broke off, but no. Alright, so now we have a receiving chassis. So let's close it. We don't need to close it, guys. Let's not do that. Now let's focus on removing this platter properly and migrating it to the other side. So when I'm going to use a technique which I have learned from one of my colleagues, my senior peer, I won't mention his name, but he's the guy.
So let's remove some portion of it which was outside for some time, like this much. Keep it separately. Now let's focus on some part, this much. Let's make another clip for this work.